हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल Next News 9 को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। टाइगर से अपने रिश्ते पर ये बोली गर्लफ्रेंड दिशा, इस फिल्म में दिखेंगे साथ। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी फिल्म बागी दोग में पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। इन दोनों के अफेयर को लेकर भी टाउन में चर्चे होती रहती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिन पहले खबर आई थी फिल्म बागी दो के मेकर्स को दिशा और टाइगर के साथ दिखने से परेशानी हो रही है। मेकर्स का मानना है कि यदि ये दोनों साथ दिखेंगे तो इसका असर फिल्म पर पड़ेगा। इस बारे में दिशा से जब पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। दिशा ने कहा, मेरे और टाइगर के रिलेशन को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम दोनों साथ दिखते भी है तो इससे फिल्म पर कोई निगेटिव असर नहीं होगा। बता दें कि इसके पहले दोनों एक म्यूजिक वीडियो में नजर आए थे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म बागी दो के मेकर्स का मानना है कि टाइगर और दिशा अक्सर साथ दिखते हैं और मीडिया में उनकी फोटो जाती रहती हैं। यदि दोनों की फोटोज मीडिया में बार बार आएगी तो फिल्म आने तक जो फ्रेशनेस ऑडियंस के दिमाग में होनी चाहिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपको बताते चले कि फिल्म बागी दो की शूटिंग सितंबर में ही शुरू हो गई थी, जो तकरीबन अब पूरी होने की कगार पर है। इस फिल्म में टाइगर दिशा के अलावा अरमान कोहली, मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा, प्रतीक बब्बर लीड रोल में हैं। फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला हैं। ये फिल्म 2016 में आई फिल्म बागी का सीक्वेल है, जो 27 अप्रैल 2018 को रिलीज होगी। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 है। खबरों की माने तो इस फिल्म में उनके साथ चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे स्क्रीन शेयर करेंगी। वहीं दिशा की बतौर लीड एक्ट्रेस बागी 2 पहली फिल्म है। उन्होंने फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि इस फिल्म में उनका कैमियो रोल था।